भाष न्यू डिजिटल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नया वीडियो का अपडेट आपके यहाँ पहुँचता रहे। सबसे पहले भाजपा नेता और मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। इस बार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली शपथ लेते हुए नहीं दिखेंगे और ना ही निकट भविष्य में सरकार का हिस्सा होंगे। अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि वे उनकी नई सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। उन्हें स्वस्थ होने के लिए अभी और समय की ज़रूरत है। जेटली ने प्रधानमंत्री के नाम लिखी चिट्ठी में कहा है, पिछले 5 साल में आपके नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा होना मेरे लिए सम्मान के साथ साथ सीखने का एक अवसर भी था। इससे पहले भी NDA की पहली सरकार के दौरान मुझे जिम्मेदारियाँ निभाने का अवसर मिला। पार्टी संगठन और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखने की मेरी भूख अभी मरी नहीं है। पिछले 8 महीनों के दौरान मैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से घिरा रहा हूं। मेरे डॉक्टर मुझे इन समस्याओं से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ और आप केदारनाथ की ओर जा रहे थे, उस वक्त भी मैंने आपसे बात की थी। फिलहाल मैं किसी तरह की जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता हूं, ताकि अपने इलाज और सेहत पर ध्यान दे सकूं। आपके नेतृत्व में भाजपा और NDA ने शानदार और सुरक्षित जीत दर्ज की है। कल नई सरकार शपथ लेगी। मैं औपचारिक रूप से आपसे यह निवेदन करने के लिए यह चिट्ठी लिख रहा हूं कि मुझे मेरे लिए, मेरे इलाज के लिए और स्वस्थ होने के लिए उचित की ज़रूरत है। इसलिए फिलहाल मैं नई सरकार में किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। सरकार के समर्थन में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अनौपचारिक तौर पर जब भी ज़रूरत होगी मैं तैयार रहूंगा। बता दें कि अरुण जेटली हाल में ही अमेरिका से इलाज कराकर लौटे थे। इलाज कराने के लिए 4 सप्ताह तक वह अमेरिका में ही रहे। इलाज कराने के लिए विदेश में होने के कारण जेटली नरेंद्र मोदी सरकार का 6ठा और अंतिम बजट पेश नहीं कर सके। उनकी अनुपस्थिति में रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अरुण जेटली के वित्त मंत्री न रहने पर नरेंद्र मोदी को क्या प्रभाव पड़ेगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।